नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में। यहां पर आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग आज भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो पब्लिक यहां पर आ रही है उनसे बातचीत करके जानते हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने समाज के लिए किस तरीके के कदम उठाए हैं, किस तरीके के कार्य करे हैं, जानते हैं इन लोगों से बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा साक्षी इंसान। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सिरसा से बिलोंग करती हूँ। मैम प्रोफेशन क्या है? मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में वर्किंग हूँ। मैम आप इस संस्था को कितने समय से जानते हो? मैम मुझे जो मेरी फैमिली है, फैमिली को तो मेरे अबाउट 40 इयर्स हो चुके हैं और मुझे भी यहाँ पे 25 इयर्स हो चुके हैं जो मैं यहाँ तब से जुड़ी हुई हूँ। मैम बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो इस ऑर्गेनाइजेशन में? मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलेज में स्टडी किया है, मैंने सब कुछ किया है, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत सेफ्टी महसूस होती है। यहाँ पे मतलब एक माहौल, मतलब गुरुजी ने इतना अच्छा हमें माहौल दिया है, इतने अच्छे से हमें शिक्षा दिया है, पढ़ाई की शिक्षा दी है, बेटा स्ट्रॉन्ग बनो, समाज में जाके तुम्हें भलाई के कार्य है, हमें लोगों को चेंज कैसे करना है, उस तरीके से हमें मोटिवेट किया है और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है उनके कदम या उनके कार्य हमारे समाज हित के लिए है, हमारे देश हित के लिए? हाँ, मुझे बहुत ये लगता है कि हाँ, उनके समाज स्वच्छ महाभियान चलाया है उन्होंने। गुरुजी की वो है कि कितनी गंदगी, कितना सब कुछ हो चुका है, दिल्ली में इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतने ज़्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं वहाँ पे, तो गुरुजी ने ही मतलब वहाँ पे स्वच्छ अभियान चलाया और उसकी वजह से ही वहाँ पे डेंगू के मरीज इतने कम हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य चला रहे हैं वो, जैसे भ्रूण हत्या को रोकना। जो भ्रूण हत्या, लड़कियों को समाज में इतना मार दिया जाता था, छोटी कोख में मार दिया जाता था, पहले हरियाणा का जो ग्राफ था वो बहुत ज़्यादा था। अब गुरुजी की ही शिक्षा पे चलते हुए यहाँ पे लोग, ये है कि मतलब बहुत ही गिरावट आई है उसमें और लोग बेटे और बेटी को एक समान समझने लगे। मैम आपको लगता है इस सोसाइटी को आज संत जी के समाज में आने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है यहाँ पे उनको आने का, क्योंकि जिस तरीके से वो यूथ को गाइड कर रहे हैं, उस तरीके से मुझे लगता है कि हाँ, उनको बहुत जल्दी से जल्दी बाहर आए और लोगों को अच्छी उसकी वो करें। और मैं ना रहने से कैसा प्रभाव आपको लग रहा है पड़ उनके ना रहने से? मतलब मैंने देखा है कि समाज में इतना ज़्यादा ड्रग फैल चुका है, मतलब दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, जगह जगह छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं, इतना ज़्यादा नशा हो चुका है और लोग मतलब मानते वो नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, उनको आना चाहिए और आके और यूथ को चेंज करना चाहिए और नामदान देके, तभी यूथ चेंज हो सकता है, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं कि यूथ कैसे चेंज हो। मैम रक्षाबंधन है आज, रक्षाबंधन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब रक्षाबंधन है, मैं रक्षाबंधन के लिए स्पेशल दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ सिरसा, तो मुझे बहुत मतलब फील भी हो रहा है कि हाँ, गुरुजी नहीं है, बट गुरुजी ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। उन्होंने रक्षा के लिए भाई और बहनों को वो सिखाया है, भाइयों को सिखाया है कि कैसे अपनी बहनों की रक्षा की जाए। तो आज रक्षाबंधन पर मैं उनको बधाई वो देती हूँ कि हाँ, बस यही कामना करती हूँ कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आए। सरकार से क्या अपील करना चाहूँ? बस मैं यही अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आए। मैम आज भी आप उनके लिए इतना भावुक हो रहे हो, कितना आपको मतलब उनके साथ इतनी अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि बचपन से उन्होंने हर चीज़ सिखाई है हमें, छोटे से लेके चलना, बैठना, उठना, खाना, समाज में कैसे रहना है, कैसे बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनना है। क्योंकि आज के टाइम में मैं भी रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ पे इतना मतलब ऐसा माहौल है कि कोई सेफ होने लगता है, बट गुरुजी ने मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हाँ, मैं वहाँ पे अकेले रह रही हूँ, वो भी पिता गुरुजी ने ही सिखाया है हमें वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हो किस तरीके से बेटियाँ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को रक्षाबंधन की बधाई दे रही हैं और समाज को बता रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए बहुत काम किए हैं, बेटियों को एक सुरक्षित माहौल दिया है, करोड़ों लोगों को नशे से दूर किया है और समाज हित के लिए हर वो काम किया है जिसकी समाज को ज़रूरत है। ये लोग अपील कर रहे हैं सरकार से कि संत जी समाज में जल्द से जल्द वापस आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.